फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आज का पहला करंट अफेयर तो यही बनता है कि हमारे देश की 15वें राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इनसे जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है उनकी एक अलग सी वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे ही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस जिले में एशिया के पहले किलर योग प्रशिक्षण योग कोर्स का आयोजन किया गया, मतलब किन्नर के लिए भी किया गया है। तो कहाँ किया गया, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि बूंदी के अंदर ये योग प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। मतलब 100 दिन का हुआ था जिसमें 100 किन्नरों ने आपस में भाग लिया था। ये 23 मई से लेकर 6 जून तक कंप्लीट हुआ था, जो 15 दिवसीय योग शिविर केंद्र था। जैसे कि ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ, जो एशिया के अंदर पहली बार हुआ है जो किन्नर के लिए किया गया है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, हाल ही में केंद्र के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। कि राजस्थान की कौन सी कैटेगरी है, लेवल 3, लेवल 1 या लेवल 2, फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लेवल 3, कि राजस्थान को लेवल 3 कैटेगरी में माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे इसके फैक्ट की बात कर ली जाए तो ये 27 जून को जारी किया गया था, जिसके अंदर राजस्थान को तीसरी कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया था। थर्ड क्वेश्चन की बात कर ले तो थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में एक श्रेणी विद्यालय संचालन रख रखाव में संपूर्ण राजस्थान में प्रथम किस जिले को, मतलब कि साफ सफाई के अंदर राजस्थान के किस स्कूल को नंबर 1 पर माना गया है, अलवेर, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। जो बाड़मेर जो जिला है, मतलब राज्य है, जिसके अंदर राजस्थान का, भारत का, मतलब भारत की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार राजस्थान में बाड़मेर को दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसकी फैक्ट है, स्कूल प्रशिक्षकों को स्वच्छ स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए इसकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रखा है, और ये प्रथम राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर बाड़मेर को दिया गया है। और बाड़मेर कौन स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है जो छोटू गांव के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। फोर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इंगेशन से लाभान्वित करने के लिए कितने करोड़ का रुका प्रावधान किया गया है, मतलब कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए 705 करोड़, ऑप्शन बी 1350 करोड़ या ऑप्शन सी 1150 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1750.5 करोड़ इसकी लागत रखी गई है, जिसे किसानों को इससे मुनाफा दिया जाएगा। अगर फैक्ट की बात कर ली जाए तो फैक्ट इस प्रकार से आएंगे, राजस्थान सरकार ने लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है, ये बात आप सब जानते हैं। राज्य सरकार ने अपने बजट के अंदर 4 लाख किसानों को ड्रिप इनिगेशन से लाभान्वित करने के लिए 705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि जिस कि किस किस को दिया जाएगा, जिनकी 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इनिगेशन किया जा सके, यानी इसका सिंचाई से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है वो इसमें स्वीकृति दी जाएगी, और ये किसानों के हित के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी किसको किया गया है राजस्थान के अंदर जो जगजीवन अभिनव पुरस्कार, सुरेंद्र अवाना, जगदीश पारिक, श्याम सुंदर पोलीवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका है सुरेंद्र अवाना, जिसको ये जगजीवन राम पुरस्कार दिया गया है। अगर फैक्ट की बात कर ली जाए तो कब दिया था, 16 जुलाई को इस दिया गया है। और ये 94 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 94 नंबर पर ये दिया गया है। अब तक 94 दिए जा चुके हैं, अब आएगा 95 वाला। चलिए, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे किसने दिया है, कृषि मंत्री कौन, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्होंने
इनको दिया है। अगर ये इसके फैक्ट, अगर इसकी पूरी वीडियो चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, तो सर के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जैसे 6 क्वेश्चन, मतलब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर बताइए। तो 18 जुलाई, 20 जुलाई, 17 जुलाई। तो 20 जुलाई इसका राइट आंसर है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। अगर फैक्ट की बात कर ली जाए तो किस प्रकार से 20 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का उद्घाटन समारोह चिन्हित किया गया है, जो कि 19 दिसंबर 2021 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के मून विलेज एसोसिएशन द्वारा संगठन, मतलब ये कब से स्टार्ट किया गया है, तो 19 दिसंबर 2021 से इसको स्टार्ट किया गया है और ये दूसरा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th आता है। हाल ही में हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत में पासपोर्ट में कौन सा स्थान है, यानी इसमें भारत की रैंकिंग बताइए कि भारत की कौन सी रैंकिंग है, 87, 67 या फिर 90। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर, यानी 87 नंबर पर भारत का स्थान इसके अंदर मिला है। ये इसकी फैक्ट है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुताबिक भारत की रैंकिंग 87वीं नंबर पर रही है। आप लोगों को 60 देशों, मतलब 60 देश में काउंट किए गए थे, और जिसके अंदर देशों ने भाग लिया था, इसके अंदर अलग अलग मतलब देश के राज्य को भी शामिल किया गया था, इसके अंदर भारत की 87 रैंक बनी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस राज्य को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हरियाणा, राजस्थान, केरल। तो जो स्कॉच कोड का जो अवार्ड का जो सम्मान है, ये राजस्थान को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में अगर फैक्ट की बात कर ली जाए तो ये राजस्थान को ही दिया गया, इसका कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। राजस्थान में वर्तमान स्पाइस पार्क कितने हैं, जो राजस्थान में जो स्पाइस पार्क है वो कितने हैं, तो राजस्थान के अंदर स्पाइस पार्क ऑलरेडी 2 हैं। और कहाँ कहाँ पर है ये है, एक तो जोधपुर में है, एक कोटा के अंदर है। ये इसकी फैक्ट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 30वीं एंड्राइडिक पुल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में राजस्थान के अरुंधति चौधरी को कौन सा पदक मिला है, ये तो आप सबको पता है, उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ये इसके फैक्ट है। अब तक उन्होंने 10 पदक जीत लिए हैं और प्रथम स्थान को हासिल कर लिया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।